हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? आज हम आए हैं प्लस टू केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर, जो कि है सॉलिड स्टेट। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के चैप्टर की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉलिड्स हैं, लेटिस, व्हाट इज़ लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। काफ़ी बच्चों, बड़ा सिंपल टॉपिक है, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि ये लेटिस है क्या, ये यूनिट सेल क्या है। हम पढ़ेंगे BCC, FCC के बारे में, कैसे उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। तो ये लेक्चर में आज हम ये पढ़ेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि सॉलिड स्टेट का पूरे चैप्टर का एक पूरी वीडियो बनाऊँ अलग अलग टॉपिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट से, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड होता क्या है? बेसिक सा टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड पता है, सॉलिड सॉलिड क्या होता है? जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम आगे CP बोलेंगे। इसको याद रखना, बार बार मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बोलूँगा, कहीं जगह CP बोल दूंगा, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हों, क्लोजली पैक्ड मतलब साथ साथ पड़े हो। छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने छोटे यार, कि ऐसे पार्टिकल्स जब पास पास पड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास, तो ये सॉलिड होता है। जब थोड़ा सा दूर होते हैं तो ये लिक्विड है, ज़्यादा ज़्यादा दूर होते हैं तो गैसेस हैं, याद होगा। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? हाई होती है, ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा अट्रैक्शन होंगे तो ज़्यादा पास पास आएंगे, है ना? पता होगा ये, तो इसके बारे में तो पढ़ा होगा क्या होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी शेप और साइज फिक्स रहता है, शेप एंड साइज इनका फिक्स्ड रहता है। ओके, और बताओ, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये कंप्रेस नहीं होते। हाँ, होती है बहुत, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी जीरो है या बिल्कुल भी कम है। होते हैं बिल्कुल माइनर सा, हमें पता नहीं चलता। हम बोलते हैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, इनकी डिफ्यूजन लो है, ये डिफ्यूज नहीं करते जल्दी, ठीक है? मैंने एक सॉलिड लिया, इसके साथ ये कर दिया, ये आपस में डिफ्यूज हो गया कि नहीं, मिक्स नहीं करते ना आपस में, अलग अलग हैं ये। गैसेस की डिफ्यूजन हाई होती है, सॉलिड्स की डिफ्यूजन कम होती है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है? और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी लो होती। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता भी होंगी, हम जस्ट एक बार मेमोराइज कर रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए पुरानी क्लासेस का। ओके, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। मैं कोई सॉलिड लूंगा, इसको लूंगा, इसको अगर ऐसे करूंगा तो टूट जाएगा, या थोड़ी मैं इसके डायरेक्शन जैसे करने की कोशिश करूंगा वैसा ही हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी इनकी लो है। हाँ, है फ्लेक्सिबिलिटी बट लो है। ओके, तो आगे मेन बात पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक जहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, तो बेसिक सी बातें कर रहे थे हम। तो अगला हमारा मेन टॉपिक है कि सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम। बेसिकली आप अपने चैप्टर में पढ़ोगे टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एक होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स, सेकंड आप पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, अब ये होते क्या हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? अपने सिर्फ सॉलिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, ये नाम सुने होंगे शायद कभी कभी। ये होते क्या हैं? जैसे मैं बात करूँ, अमॉर्फस सॉलिड है जैसे चौक, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा जैसे कोई स्टोन। स्टोन मतलब मार्बल ले लेते हैं, मार्बल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
नाम सुना होगा इसके बारे में, डिटेल में जाएंगे हम। पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं टेबल के फॉर्म में, समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड हो, लॉन्ग रेंज में एक जैसा हो, लॉन्ग रेंज में एक जैसा हो। जैसे आप समझो कि चलो पहले अमॉर्फस सॉलिड लिखते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स के क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड नहीं होता, लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड नहीं होता, थोड़ी से रेंज के लिए ये एक जैसे होंगे, फिर इनके पार्टिकल्स हिल जाएंगे, जो एक रेंज एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यार, ये देखो एक दो ये ओके, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक एटम के, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक जैसा चलता रहेगा, ये सेम 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 बिल्कुल सेम चलता रहेगा लंबे रेंज के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जैसे ये है कि ये पार्टिकल्स पड़े हैं ना, तो ये ज़्यादा रेंज के लिए ऐसे नहीं होंगे, कहीं पर भी ये बिगड़ जाएंगे, यहाँ पर सेम चल रहे हैं बट यहाँ पर इनकी रेंज बिगड़ जाएगी। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं लॉन्ग रेंज के लिए एक जैसे बिहेव नहीं करते। जैसे आप स्क्रीन के नीचे देखोगे तो इसकी एक फ़ोटो भी है कि आप समझोगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक साइड में है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इसके साथ ही अमॉर्फस सॉलिड, तो आप देख पाओगे कि दोनों कैसे रेंज के हिसाब से कैसे बदलते हैं, लॉन्ग रेंज कैसे है और शॉर्ट रेंज कैसे है। ओके, तो आगे बात करते हैं इसको सेकंड पॉइंट को। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, एक्चुअली में यही ट्रू सॉलिड्स हैं, ये बेसिकली सॉलिड्स ही हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, ये ही सॉलिड्स हैं, ये भी सॉलिड्स हैं बट हम इनको बोलते हैं ये सीडो सॉलिड्स हैं, सीडो सॉलिड्स, सीडो सॉलिड्स। सीडो का मतलब पता ना क्या होता है, सीडो, सीडो फोर्सेस पढ़ी होंगी आपने पिछली क्लास में, 11th में पढ़ी होंगी सीडो फोर्सेस। सीडो फोर्सेस क्या होती है, सीडो होता नकली, सीडो को बोलते हो आप नकली, तो ये नकली सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड हैं बट हम इनको नकली सॉलिड्स बोलते हैं, ये असली सॉलिड है, तो ये असली सॉलिड है, ये नकली सॉलिड है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, शार्प उनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा शार्प है। ठीक है, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज के लिए आता है, एक रेंज के लिए आता है। मींस इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म कर रहे हो तो मेल्ट होना स्टार्ट, एक टेम्परेचर आएगा और वो अचानक उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर पे नहीं आएगा, इसका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में आएगा। मान लो मैं बोलता हूँ किसी का भी यार एग्जाम्पल लेता हूँ कि 100 से 200 के डिग्री के बीच में एक रेंज में मेल्ट होगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर उससे बढ़ाओगे भी नहीं तो उसी टेम्परेचर पर रखोगे तो मेल्टिंग होती रहेगी, बट इसके लिए आपको टेम्परेचर इसके बीच में रखना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं कि ये जो है ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, कौन, अमॉर्फस सॉलिड्स, और ये होते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक का, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि ये सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं सारी डायरेक्शंस में, सिमिलर डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी के लिए इतना समझो, आगे बात करेंगे।
इसको बोलते हैं एनाइजोट्रॉपिक, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो एनाइजोट्रॉपिक होते हैं, जो ऑल डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोला जाता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे NaCl, जिंक, जैसे इसकी ले लो आप ग्लास। ओके, तो हमने बात करी थी ग्लास, रबर, ऐसे ही ये सारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ये NaCl, जिंक, और आप बोल सकते हो जैसे एक और सुना होगा आपने बुक में है ये क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है, ओके। इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स की बात नहीं करेंगे, ये चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आगे क्या क्लासिफिकेशन है, इसके आइस के टाइप्स क्या हैं आगे, उसके बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। चलते हैं आगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे फोर पार्ट्स में सब डिवाइडेड हैं, फोर पार्ट्स में सब डिवाइडेड हैं। उसको समझने के लिए जैसे मैं एक टेबल ही बनाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। आए मेटैलिक सॉलिड्स एक होते हैं, मेटैलिक सॉलिड्स एक होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स और एक होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे फोर पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, आयनिक सॉलिड्स, मेटैलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको समझने के लिए मैंने टेबल इसलिए बनाया कि ताकि आप कंपैरिजन कर सको। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं उसकी बात करें, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके, तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा। जो आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन्स होते हैं। जैसे पॉजिटिव आयन कटायन अनायन से मिलकर ये आयनिक सॉलिड बनता है, जैसे कि NaCl, हम एग्जांपल लेंगे आगे जाके। ठीक है, जो मेटैलिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल के एटम्स होते हैं। जैसे एक मेटल है, ये रॉड है मेटल की, तो इसमें मेटल के एटम्स तो होंगे, ऐसे पूरे में छोटे छोटे एटम ऐसे जुड़ के तो पूरा मेटल बना होगा ना, तो इसमें मेटल के एटम्स होते हैं। कोवेलेंट, अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की, कोवेलेंट सॉलिड्स में होते हैं नॉन मेटल के एटम्स। ओके, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इसमें होते हैं आप में एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी मॉलिक्यूल्स भी। बुक में देखोगे ये एक्चुअली में ये तीन टाइप का होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आगे सब डिवाइडेड तीन टाइप्स में है, नॉन पोलर पोलर और हाइड्रोजन। हमने उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें सिर्फ बेसिक आइडिया लेना, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आयन्स कटायन अनायन, इसके मेटल के एटम्स, इसके नॉन मेटल्स के एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जुड़कर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस हैं इसके पास, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? तो मेटैलिक के पास होता है मेटैलिक बॉन्ड। मेटल और मेटल का बॉन्ड कौन सा होता है, मेटैलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड, पढ़े थे ना ये प्लस वन में। सॉलिड्स के पास कौन सा बॉन्ड होता है, इसके पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास होता है, इसके जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से बॉन्ड में जुड़े होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्स। आई नो बोरिंग है थोड़ा, ठीक है, बट इसको समझो। मेन ये नहीं है, मेन हम पढ़ेंगे यूनिट सेल ज़्यादा मेन है, बट ये रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि है क्या, इसके बेस्ड पर ही आपको कई चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो तीसरी बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो हाई होगा, इसका भी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट।
इसका वेरी हाई होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का याद होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, मॉलिकुलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल से लेते हैं, जैसे इसके कटायंस और एनायन किस में होते हैं, NaCl में। मेटेलिक बॉन्ड कोई भी मेटल उठा लो, जैसे जिंक में मेटेलिक बॉन्ड है, ओके। और कोवेलेंट बॉन्ड किस में हो सकता है, जैसे कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सुना होगा। हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, पढ़े होंगे आपने, मॉलिकुलर सॉलिड। अच्छा, मॉलिकुलर सॉलिड्स की एग्जांपल दो, सोच के बताओ, कोई भी मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, आप बोलोगे ये एक मॉलिक्यूल है, H2O, CO2, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाँ, बोलोगे ये सॉलिड कैसे हुआ, ये तो पानी होता है लिक्विड। अरे जब ये जम जाएगा तो सॉलिड होगा ना, जब H2O आइस बन जाएगा तो सॉलिड कहलाएगा, तो उसका फॉर्मूला थोड़ी बदल जाता है, तो वो भी H2O ही होता है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो उसका मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं। क्लियर, चलें आगे। ठीक है, पक्का समझ आया होगा इतना, चलिए आगे चलते हैं। अब मेन बात, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ये तो छोटी क्लासेस की बात कर रहे थे हम, थ्योरी पढ़ रहे थे ऐसे ही फालतू की तो नहीं बोल सकते, बट ये ज़रूरी तो है पढ़ना। तो अभी मेन बात अभी से शुरू होती है इस चैप्टर में, जो मेन चीज़ है अभी इसी के बारे में सारी बात करेंगे, और वो मेन चीज़ है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट, हम क्या करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं किसकी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स के, उसको 3D स्पेस में उसकी रेगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे भी उसको रख देंगे, उसके पार्टिकल्स को उसकी एक प्रॉपरली पोजिशन से, ऐसे हम जैसे बोलूँ कि ये मैंने इसको पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज कर लिया, तो ये क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस है। रेगुलरली मैंने कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो 3D स्पेस में रख दिया, यहाँ रख दिया पीछे, 3D स्पेस में मतलब ऐसे ऐसे रख दिया, पीछे आगे ऊपर नीचे कहीं भी रख सकता हूँ मैं, तो ये एक लैटिस हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और सिंपली लैटिस, ओके। तो ये लैटिस, ये जो पॉइंट्स हैं ये लैटिस हैं। जब हम इन लैटिस को जोड़ देते हैं, इसके लैटिस के पॉइंट्स को जोड़ देंगे, इन लैटिस के पॉइंट्स को जोड़ देंगे, जैसे मैं बोलूँ ये लैटिस पढ़ा था, मैंने इसको जोड़ दिया, इन लैटिस के पॉइंट्स को 3D में जोड़ने से, थोड़ी डायग्राम थोड़ी सी गड़बड़ा है, ये जो बना, ये जो शेप बन के आई, इसको बोलते हैं यूनिट सेल, इसको बोलते हैं यूनिट सेल, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल, ये लैटिस है, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3D स्पेस में अरेंज करेंगे, और ये है यूनिट सेल, ठीक है जी। अब ये यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, ताकि जो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच अ लैटिस कैन फॉर्म आफ्टर रेपिटेशन, ये लैटिस की रेपिटेशन के साथ कैसे जोड़ जोड़ के जो सबसे छोटी यूनिट बनेगी, उसको यूनिट सेल बोलते हैं, ओके। अब ये जो इसके यूनिट सेल की स्टडी मेन है, हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल दो तरह का है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी की सारी स्टडी है आगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं, है ना। ये आगे तीन टाइप्स का है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल की या सिंपल यूनिट सेल की। जो सिंपल यूनिट सेल है, यूनिट सेल कैसा होता है, ऐसा अभी बताया था ना, ऐसा, ये एक यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसके यूनिट सेल में, जैसे ये यूनिट सेल है, इसके सारे कॉर्नर्स पे, इसके सब कॉर्नर्स पे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पढ़े हों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे ये इसके कितने कॉर्नर्स हुए, 8 कॉर्नर्स हुए। तो जब किसी यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हों तो उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। एक सिंपल यूनिट सेल के पास 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, बट इसके 8 कॉर्नर पे 8 पड़े होंगे। तो हम बात करते हैं 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलकर एक सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल हमने पढ़े 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहला है, बात करते हैं पहले फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको क्यूबिक है, वो क्यूबिक था, क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं क्योंकि वो क्यूब शेप थी। हेक्सागोनल भी होता है, आगे पढ़ेंगे, अलग अलग शेप के होते हैं, हम क्यूबिक बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ये यूनिट सेल है, देखो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। ओके, इसके कॉर्नर्स पे तो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, सारे 8 के 8 कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। उसके बाद इसके सारे फेसिस के सेंटर में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और होगा, जैसे ये इसका फेस है, इसके सेंटर में, इधर वाले फेस के इसके सेंटर में, ये इधर वाला फेस है तो इसके सेंटर में, इधर वाले फेस के सेंटर में, नीचे वाले फेस के सेंटर में और ऊपर वाले फेस के सेंटर में। यानी कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए इसके, 8 वो रहे और 6 फेसिस हैं, तो 8 वो रहे और 6 फेसिस हैं, उसके पास 14 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके पास, 14 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि उसके एंड्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, उसके एंड्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, 8 के 8 तो होंगे। बट उसकी बॉडी में, 3D बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ये 3D बॉडी है, इसके बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अंदर, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अंदर, जैसे मैं एक खाली बॉक्स के अंदर बॉल डाल दूँ, एक खाली बॉक्स है उसके अंदर मैंने बॉल डाल दी, तो वो बॉक्स के अंदर गया, तो ये यूनिट सेल एक बॉक्स मानो, इसके अंदर बॉल रख दूँ, ये रख दूँ, तो उसके पास कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, 8 और एक 9 कॉन्स्टिट्यूएंट। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे नहीं काउंट करते हम, सेंटर टू सेंटर होते हैं, अभी हम जब रैंक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी के लिए समझो इसके पास 9 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, क्लियर। फिर बात करते हैं हम एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, देखो कॉर्नर पे तो सबके होंगे, कॉर्नर के तो सबके होंगे, इसके कॉर्नर पे 8 हो गए, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। किन्हीं दो ऑपोजिट फेसिस पे, किसी दो टू ऑपोजिट फेसिस पे, किसी भी दो ऑपोजिट टू ऑपोजिट फेसिस पे दो और पड़े होंगे, जैसे फेस सेंटर्ड में सारे फेसिस में पड़े थे, इसमें किसी भी दो फेसिस पे होंगे और वो फेसिस ऑपोजिट होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने एक फेस ये उठा लिया, एक यहाँ होगा, एक इस फेस पे होगा नीचे, एक ऊपर वाले पे, नीचे हो सकता है इधर हो, एक इधर वाले फेस पे, एक इधर वाले फेस पे, एक इधर वाले, ऐसा भी हो सकता है, एक आगे एक पीछे, किसी दो ऑपोजिट फेसिस पे होंगे तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। तो इसके पास कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, टोटल 10। इसके पास कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, 10 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है जी। ओके, आगे बात करते हैं हम, इसको और समझने के लिए अगली चीज आती है हमारी, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल हम समझेंगे, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एक यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ है सिंपल यूनिट सेल की, सिंपल यूनिट सेल की, सिंपल यूनिट सेल। ओके, सिंपल यूनिट सेल कैसा था, ऐसा था, याद होगा आपको, ऐसा था सिंपल, एक क्यूबिक यूनिट सेल था और इसके सारे कॉर्नर्स पे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, याद है। यानी मैं बोलूँ इसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है इसका, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है और यहाँ मैं लिखता हूँ इसका रैंक क्या है, इसका
रैंक क्या है, रैंक क्या है, रैंक कैसे निकालते हैं वो बात करें। इसकी अरेंजमेंट क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर्स, कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके पास, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसका रैंक कैसे निकालते हैं, देखिए इसको समझो, इसका रैंक कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 8 है। कितने कॉर्नर्स पे है, कितने कॉर्नर्स पे, सॉरी कॉर्नर्स कितने हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 8। ओके, एक कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने एटम्स को कंसिडर करता है, इसको समझो। देखो मैं बोलता हूँ, मैं इसको सिंपल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर, इसको समझो, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीका है इसको समझने का, इसको समझो। मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक, ये सेंटर में एक पार्टिकल पड़ा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, स्फीयर होगा, ये स्फीयर होगा ऐसे पूरा, जिसका सेंटर इस कॉर्नर पर आ रहा होगा, जिसका सेंटर इस कॉर्नर पर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस स्फीयर को आधा कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, इस स्फीयर को आधा कर, ये कॉर्नर ये ना, ये देखो ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा ना, इस कॉर्नर के ऊपर आधा आ रहा है, तो ऊपर वाला आधा तो गया, ठीक है, ऊपर वाला आधा तो गया। अब ये आधा यहाँ आ रहा है, ये वाला आधा भी गया, ऊपर वाला आधा गया तो हाफ चला गया, ये आधा और गया, हाफ का हाफ और गया, हाफ का हाफ और गया, 1/4 बचा हाफ। उस हाफ में से भी सिर्फ इतना ए साइड वाला, उस हाफ में से भी सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन है एक, उसका भी यानी कि एक पूरे स्फीयर का सिर्फ 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा, बाकी सारा इसके बाहर है, सिर्फ 1/8 पोर्शन, देखो पूरा है, पूरे का हाफ ऊपर है खत्म, हाफ का हाफ इधर रहा है ये खत्म, तो हाफ का उसका भी हाफ बचा, वो बचा ये अंदर जो यहाँ यहाँ पर आ रहा, देखो ये यहाँ पर आ रहा, ये बचा, देखो ये पूरा इसको 400 में, ये बाहर है इसके, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, बचा सिर्फ ये, तो ये एक इसके पिछले वाला, ये तो सारा खत्म हो गया। तो कितना एटम कितना कंसिडर कर रहा है, 1/8, 1/8। नीचे देखो डायग्राम, एक फोटो लगा रखी है, उसको समझोगे तो समझ में आएगा, कैसे कटिंग हो रखी है ना उसकी, ऊपर से कटिंग हो रखी है उसकी, कि यानी कि वो आधा चला गया, कॉर्नर्स में 4 पड़े हैं, तो वो बाहर बाहर जितने थे निकल गए, है ना, बाहर बाहर वाले सारे निकल गए, तो वो कट के कितना बचा है, 1/8, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8, 1/8 टोटल कितने, 8। तो इसका रैंक कितना होगा, 1। याद रखना, रट्टा मार सकते हो, समझ भी सकते हो कैसे हुआ, इसका रैंक कितना आया, 1/8। ओके, पक्का। फिर बात करते हैं FCC की, या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, सेंटर्ड यूनिट सेल की। FCC में क्या होता है, कहाँ होते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एट कॉर्नर्स पे भी होते हैं एंड एट ईच फेस, सारे फेस पे भी होता है। तो टोटल कितने हुए इसके पास, कॉर्नर पे 6, कॉर्नर पे 8 और इस पे 6, 14। अब समझो इसको कैसे होगा, देखो कॉर्नर वाले तो वही 8, कितने हुए उसका, 1/8, 1/8 आ रहा होगा कॉर्नर पे। अब इसके अंदर जो पड़ा है वो सिर्फ जो यहाँ पर पड़ा होगा, जो यहाँ पर पड़ा होगा फेस में, वो सेंटर में होगा बिल्कुल, उसका जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इसके सेंटर में आ रहा होगा, इसके सेंटर में आ रहा होगा, तो आधा स्फीयर तो बाहर निकल जाएगा इससे, आधा स्फीयर तो इससे ऐसे बाहर निकल जाएगा, आधा स्फीयर अंदर होगा, तो आधा गया तो आधा ही तो अंदर आया ना, यूनिट सेल में आधा ही तो कवर हुआ, तो इसको बोलेंगे ये प्लस कितने हैं, 6, और कितने आ रहा है उनका, कितना पोर्शन यूनिट सेल में आ रहा, हाफ आ रहा, हर 6 के 6 का हाफ आ रहा। नीचे देखो डायग्राम देखोगे, नीचे फिगर बना रखे, उसको समझोगे, वो कट हो रखा है, सिर्फ हाफ ही अंदर आ रहा, इधर वाला हाफ कट गया, ये फिगर देखोगे आप नीचे से तो आपको समझ में आएगा। तो इसका यूनिट सेल कितना हुआ, 1, और ये कितना हुआ, 1/3, 4, इसका रैंक कितना हुआ, 4। ओके, क्लियर है, पक्का, ठीक है। आगे चलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, सारे के सारे कॉर्नर्स पे तो होंगे अरेंजमेंट, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो सब पे होते हैं, और इसके बॉडी के सेंटर में भी था, एक एटम बॉडी के सेंटर में भी था, एक बॉडी के सेंटर में भी था, 8 ये थे, 1 ये था। इसका रैंक कितना होगा, देखो ये 8 तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 एक एटम कंटिन्यू करता है, ये तो समझ गए होंगे, प्लस, और ये तो पूरे का पूरा अंदर हो गया, ये बाहर थोड़ी है, ये पूरे का पूरा अंदर पड़ा है एक एटम,
एक दोबारा बोल रहा हूं मैं, साइड में एक फोटो है, एक फिगर है, उसको देखो तो समझ में आएगा। तो ये इसका रैंक कितना हुआ? 2। बॉडी सेंटर्ड का रैंक कितना हुआ? 2। क्लियर है। तीसरा है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो हैं सारे एटम्स, कॉर्नर्स पे तो हैं, और दो एटम्स किसी दो फेसिस पे भी हैं, दो एटम किसी दो फेसिस पे, किसी भी ऑपोजिट दो फेसिस पे होंगे, तो कितने हुए? 8 और 2, 10 हुए इसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे, कॉर्नर वाले तो ये रहे, ओके, जो फेसिस पे थे वो हाफ अंदर होते थे हाफ बाहर होते थे, अभी हमने किया था, तो हैं कितने? 2, और हाफ अंदर हाफ बाहर, तो ये कितने कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? हाफ से, तो 1+1, इसका भी रैंक हुआ 2। याद कर सकते हो कैसे आया ये भी समझना जरूरी, याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, उसका रैंक 1, उसका 4, उसका 2, उसका 2, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझना जरूरी है। नीचे वाली फोटो देखोगे जब भी तो क्लियर होता रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। ये जो फोटो है बुक्स में भी शायद आपके होगी, तो इसको समझो कि कैसे बना, क्लियर है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल थोड़ी होते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल भी हमारे सिलेबस उसमें बुक में बना रखा है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो उसका क्या करेंगे? अरे उसका भी करेंगे कुछ। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा होता? अच्छा, मैं बात करता हूँ सिंपल हेक्सागोनल की, सिंपल हेक्सागोनल सेल, इसका रैंक निकाल के देखते हैं। आप क्या और समझे, सिंपल हेक्सागोनल कैसा होता है? ऐसा 2, 3, 4, 6, ठीक है, एक और बना दो, 2, 3, 4, 5, 6, इसको इससे, ये हेक्सागन बनेगा, एक गंदा बना, मुझे पता है, मुझे पता है गंदा, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। आप समझो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ओके। तो इसमें क्या होगा, बात करते हैं हम इसकी, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, फिर वही बात आती है, इसके कॉर्नर कितने? ये 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 वाला, ये वाला, ये 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 और ये, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसमें अगर ऐसे कॉर्नर्स पे होंगे, 3 इसके अंदर बॉडी के अंदर होते हैं और 2 इसके फेसिस पे होते हैं, 3 इसकी बॉडी के अंदर, 2 फेसिस पे, ऑपोजिट कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। तो कॉर्नर पे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6, ये 6 और 6, 12। इसका रैंक कैसे निकालोगे? देखो 12 इंटू, अब ये जो एक यूनिट सेल है ये कितना कवर कर रहा है, देखो पहले तो ऐसे था, तो ए कितना कवर करता था? 1/8 था, अब ये ऐसे है, अब ये ऐसे है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, इसको देखोगे जब आप तो आप समझ में आओगे, ये 1/8 से ज़्यादा कर रहा है, यानी कि ये होता है 1/6, याद कर लो इसको, 1/6, तो ये होता है 2। अब ये 3 अंदर है, ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 रहे ये, ये फेस पे हैं तो ये हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे ये, तो ये होएगा 1, तो 2+3+1 कितना हुआ इसका रैंक? 6, इसका रैंक कितना हुआ? 6। इसको समझो, नहीं भी समझो कोई बात नहीं, अरे यार इसको देखो, पहले ऐसे होता था तो ये 1/8 था रहा था, ये 1/8 था, अभी ये इतना अंदर होगा, इतना अंदर होगा, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री है ना, अगर ये सर्कल पूरा होता तो इसको 3 पार्ट में रहेगा, तो ये 120 हो गया, यानी कि जो पूरा स्फीयर है उसका 1/3 एंगल, 1/3 एंगल, समझ रहे हो, 1/3 एंगल, उसका 1/3 एंगल, 1/3 का, और ये भी उसका भी 1/2, 1/3 का भी हाफ, क्योंकि पीछे वाला तो नहीं है अंदर, इधर इधर वाला अंदर होगा, तो 1/3 यानी कि 1/3 × 1/2 यानी कि 1/6। डायग्राम देखोगे नीचे, देखो वही कवर की हेक्सागोनल की वही फिगर बना रखी है, आप समझो कितना कटा हुआ है, तो आपको क्लियर होगा। तो इसको बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल इसका 1, तो इसको याद रखेंगे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ट्राई करते हैं कि सॉलिड स्टेट की ही अगली डिफेक्ट्स की और हम और टॉपिक्स की वीडियो बनाएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।